राजमिस्त्री संदीप लकड़ा हत्याकांड को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने बुधवार को अंबिकापुर से लेकर सीतापुर तक न्याय यात्रा रैली निकाली। रैली सीतापुर पहुंचने के बाद आम सभा में तब्दील हो गई, जहां वक्ताओं ने पुलिस और राजनेताओं को आड़े हाथों लिया। गोंडवाना गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी अकबर राम कोराम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, बिना मोबाइल के व्यक्ति रह नहीं सकता। ऐसे में अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने पुलिस और राजनेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जो अधिकारी जिम्मेदार है वो आप यहाँ आ जाए और जितने हमारे साथी हैं बैठ जाए, आपने साइड में बैठ जाए ताकि अधिकारी अधिकारी अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। आ जाइए, एक साइड में हो जाइए, आप लेफ्ट साइड में आइए। चलिए, मेरा नाम अकबर राम कोराम है, मैं गोंडवाना गोंड महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं डीआईजी पद से रिटायर हुआ हूँ पुलिस विभाग से। ये संदीप लकड़ा का जो हत्या हुई थी उसके संबंध में हम लोगों ने आज अंबिकापुर से सीतापुर तक रैली निकाले थे और जो आज सूत्री मांग है जिसमें अभी तक पूरा नहीं किया गया था, उसके संबंध में हम लोगों ने आपस में चर्चा किया है। अब जैसे कि आपको याद भी है, एसडीएम साहब और कमिश्नर एसपी साहब ने आके बात कही है, उसके आप लोगों ने सुना है। हमारी मांग था कि जो बेचक है उसको हटाया जाए, उसको हटा दिए गए। दूसरा जो टीआई है उसको हटाया जाए, उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन जो एसडीपी का भी जो रोल होता है क्योंकि हमारे ही समाज से संबंधित है, लेकिन इसमें चूंकि हत्या हुई है इसमें लापरवाही उनकी भी है। वो इसलिए कि उनको डेली के डेली रोजनामचा जाता है, उसमें देखना पड़ता है कि क्या योजना सही ढंग से किस लाइन में जा रहा है। वो उसके अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, इसलिए हम उनको भी हटाने की मांग कर रहे हैं। वो भी हटाया जाए तत्काल, नहीं तो आने वाला जो 2 तारीख का है उस दिन फिर बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि आत्मदाह की चेतावनी उनकी पत्नी द्वारा दिया गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए शासन से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल हटाया जाए। मुआवजा की जहाँ तक बात है, जो नियम कानून के तहत है वो तो मिलेगा ही, साथ में परिवार कमाने वाला सदस्य है, दो बच्चे हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। इसके लिए जो 2 करोड़ मांग किए हैं उसमें से जो भी शासन के द्वारा और उनको अतिरिक्त सहायता दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो आपका अभिषेक पांडे जो मुख्य आरोपी है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए, ये हमारी मांगे हैं, क्योंकि वही घटना का असली हीरो है। वो उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से संरक्षण प्राप्त है या पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तभी ये गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है तो कहाँ भाग पाएगा, बिना मोबाइल के आजकल कोई आदमी रहता नहीं। तो ऐसी स्थिति देखते हुए इससे समझ में आ रहा है कि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अगर सही ढंग से कार्रवाई नहीं होगी, जो हम लोगों ने आज सूत्री मांग किया है उसमें 2-3 मांग तो हमारी हो गई, जैसे थानेदार घटाना जो उसका लगता है वो मांग पूरी है, बाकी जो और भी 7 सूत्री जो मांग है वो जो कत्या पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे, कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे। सर, मृतक का दाह संस्कार भी अब तक नहीं किया गया है, क्या कुछ बता पाएंगे इसमें? मृतक का दाह संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, वही इसीलिए नहीं हुआ है कि इसको, क्योंकि हम लोगों ने जो मांग रखी है और उसमें हमारी मांग पे और उसकी जो धर्मपत्नी है मिता की, उसने भी सहमति दिया है कि मांग पूरी होगी तभी हम दाह संस्कार करेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनकी सहमति से दाह संस्कार नहीं हुआ। सर, आप जो इतने बड़े पुलिस पद में रहे और आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो आप राजनीतिक मतलब सह समझ रहे हैं और या इनकी जो भगाने की जो कह रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय विधायक का पूरा हाथ कैसे? नहीं, स्थानीय विधायक का संरक्षण हो सकता है, हत्या कराने में साथ नहीं होगा, लेकिन अपराधी को गिरफ्तार नहीं करने में संरक्षण हो सकता है। वो इसलिए
कि इन लोगों जब उनके पास शुरू में गए थे तो मैं चोर का साथ नहीं दूंगा बोला था उसने। यहाँ गए थे पीड़ित पक्ष के लोग, कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही है तो बोले चूंकि चोरी का मुकदमा कायम हुआ था तो बोला था मैं चोर का साथ नहीं दूंगा। लेकिन उनको इतना गंभीरता से लेना चाहिए कि 3 महीने बाद भी वो आदमी परिवार से किसी संकट में अभी बात नहीं कर रहा है, उस देखते हुए उनको इस टाइप की बात नहीं बोलना चाहिए। इससे चूंकि वो बड़ा आदमी है, बड़ा ठेकेदार है, गवर्नमेंट से बहुत बड़े बड़े ठेका लिया हुआ है, उनसे साथ मिला हुआ है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। 2 तारीख के लिए क्या रणनीति समाज की बनी? 2 तारीख को हम लोग अभी और बैठेंगे, उसको किस तरीके से आंदोलन करेंगे इसके बारे में चर्चा अभी 1 घंटे बाद हम लोग चर्चा करने के बाद ही रणनीति तय करेंगे।